हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि कजर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। काफी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए दोस्तों, आपके आगामी ग्रुप सी एग्जाम्स के लिए और आरओआरओ प्री एग्जाम के लिए मैंने रीजनिंग की क्लासेस शुरू की, टेस्ट सीरीज शुरू की। उसका आज भाग 9 है और कुछ महत्वपूर्ण रीजनिंग के क्वेश्चन आज भी देखेंगे हम इस सेशन में। बाकी जिनका एग्जाम है 17 दिसंबर को आरओएआरओ प्रारंभिक परीक्षा का, उनके लिए एक बेहतरीन टेस्ट सीरीज हमारी एप्लीकेशन स्टोर पे चल रही है। अभी तक भी इनरोल नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप इनरोल कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन ये टेस्ट सीरीज है। इसमें आपको जीएस के फुल लेंथ पेपर दिए जा रहे हैं, साथ ही इसमें आपको सी सेट के पीडीएफ भी आपको दिए जा रहे हैं। पुराने पेपरों को भी सॉल्व करवाया गया है इसमें, जीएस के और सी सेट के पेपर को भी विद सॉल्यूशन। तो एक कंप्लीट टेस्ट सीरीज है। एग्जाम से पहले एक अच्छा खासा रिविजन हो जाता है, एक प्रैक्टिस हो जाती है। इसलिए मैं बोलता हूँ हमेशा एग्जाम से पहले जितना ज्यादा हो सके मॉक टेस्ट लगाओ और फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट लगाओ। किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट के लगाओ, ये नहीं कि केवल हमारे लगाओ, ठीक है। बाकी आप देखिए, एक हफ्ता बच गया है आरओआरओ एग्जाम के लिए। केवल अगला शनिवार आपको आराम करना है, बाकी फ्राइडे तक आप रूटीन बनाते तो केवल करंट अफेयर्स का रिवीजन कीजिए, साथ ही नेशनल इंटरनेशनल और उत्तराखंड करंट अफेयर्स को रिवीजन कीजिए। पुराने पेपर जरूर देखिएगा और साथ ही फुल लेंथ टेस्ट या मॉक टेस्ट लगा के जाइएगा। बस यही आपको रूटीन करना है अब आने वाले कुछ दिनों में, और एक हफ्ता लगभग अब बच चुका है, ठीक है। और बाकी एग्जाम से एक दिन पहले आपको बिल्कुल रिलैक्स हो जाना है और बिल्कुल फ्री माइंड करना है अपना, और बहुत ही अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम हॉल में भी जाना है। इतनी मेहनत आप कर रहे हैं तो यकीन मानिए आपकी ये मेहनत रंग लाएगी और आपका सिलेक्शन उत्तराखंड की सरकारी सेवाओं में जरूर होगा। बाकी चलिए सेशन को शुरू करते हैं। आज देखेंगे रीजनिंग का टेस्ट नंबर 9, फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो इसको थोड़ा स्क्रीन को मैं बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने देखिए। अब देखिए इसमें भी एक रीजनिंग की क्लास में भाई एक सवाल आता है सबका, कि जो आप जिस मेथड से आप कैलकुलेशन करते हो, आपको 100 तोपों की सलामी है, या कुछ और भी कमेंट में देख रहा था कि मैथ रीजनिंग आप मैथ के टीचर नहीं हो सकते। बिल्कुल मैं मैथ का टीचर नहीं हूं, मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूं, मैं एक मैथ रीजनिंग का टीचर नहीं हूं। बट देखिए जो ये क्लास चल रही है ना, ये बहुत स्लो क्लास है रीजनिंग वाली, टेस्ट वाली। और ये बोल सकता हूँ कि मैं बिल्कुल ये बेसिक जो एक मेथड होता है ना, बेसिक मेथड से मैं मैथ के क्वेश्चन भी कराता हूँ, रीजनिंग के भी कराता हूँ, कोई ट्रिक वगैरह से नहीं करवाता। एडवांस लेवल की मैथ आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी, बिकॉज ये रीजनिंग के टेस्ट वगैरह जो मैंने शुरू किए हैं, उत्तराखंड के ग्रुप सी के जो बच्चे हैं अधिकांश वो ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट के हैं, यानी कि बीए वाले होते हैं वो। इंटर में भी उनकी कॉमर्स होती है और गणित में रीजनिंग में हाथ पहले से तंग होता है, और आर्ट साइड है तो फिर तो बाकी तंग होता है। इसलिए इन ह्यूमैनिटीज के जो बच्चे हैं उनके लिए मैंने ये क्लासेस शुरू किया है। अब जो बच्चे पहले से एडवांस मैथ में, जैसे कि वो बैंकिंग की भी तैयारी कर रहे हैं, रेलवेज की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी सीजीएल एमटीएस, उसके अलावा एसएससी सीएचएसएल की तैयारी वो कर रहे हैं, तो उनका तो भाई ये लेवल ही नहीं हुआ, उनके लिए तो ये क्लास बहुत ही बेकार क्लास हुई। बट जो बच्चे जहाँ बिल्कुल बेसिक से जिनको आता नहीं, चीजें करना नहीं आता, तो उनके लिए ये रीजनिंग के टेस्ट हैं। इसलिए मैं आप लोगों को बोला, जो एडवांस वाले बच्चे हैं वो सीधे वीडियो को पॉज करो और अपना सॉल्यूशन आप निकाल लो, ठीक है, आपके ऐसे प्रैक्टिस हो जाएगी। बाकी और लोगों के लिए मैं ये क्लास अच्छे से करवा रहा हूँ, बिल्कुल जीरो से और बहुत तरीके से मैं करवा रहा हूँ, जिससे कि एक नौसिखिए को भी समझ में आ जाए, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे। प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है, ठीक है। तो औसत देखिए जो होता है, एवरेज का जो फॉर्मूला होता है भाई, प्रेक्षणों की कुल संख्या, जितने भी प्रेक्षण होते हैं, नंबर्स होते हैं, उनकी संख्या उनका योग होता है, ऊपर प्रेक्षणों का कुल योग और नीचे उनकी संख्या हो जाती है, ठीक है। तो इससे हम निकालते हैं एवरेज। अब देखिए अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसमें स्वयं का और केवल एक का भाग जाता है, ठीक है। स्वयं का और एक का भाग जिसमें जाता है वो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, और उसके अलावा जो भाज्य संख्या होती है उसमें वो स्वयं एक और अन्य संख्याओं से भी विभाजित होती है, भाजित होती है, तो वो भाज्य संख्याएं कहलाते हैं। तो पहली जो 9 अभाज्य संख्याएं होती है वो होती है 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस आपका 7 हो जाएगा, 7 के बाद 9 नहीं होगा क्योंकि 9 विभाजित होता है 3 से भी, 1 से भी और 9 से भी, तो 9 एक भाज्य संख्या है। तो अगली संख्या आ जाएगी 11 प्लस, फिर आ जाएगा 13, फिर आ जाएगा 15 नहीं आएगा क्योंकि 15 भी विभाजित है 5 से भी 3 से भी, तो आ जाएगी 17, 17 के बाद 19 आ जाएगा, ठीक है। 19 के बाद 21 नहीं आएगा, 21 भी विभाजित है 3 से 7 से, ठीक है। तो अब आ जाएगी 23, ठीक है। तो यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जोड़ दो भाई इनको, 9 नंबर है। तो मैंने क्या बोला, एवरेज कैसे निकालते हैं, प्रेक्षणों का कुल योग बट्टा प्रेक्षणों की संख्या, कितने नंबर है टोटल, 9 बट्टा 9 हो जाएगा। जोड़ दो इसको, 2 3 5 5 5 10 10 7 17 17 11 28 28 और 13 41 41 और 17 आपका हो जाएगा 58, 58 और 19 आपका हो गया भैया कितना, 58 और 19 हो जाएगा आपका 77 और 23 आपका 100, यानी कि टोटल इसकी कैलकुलेशन हो गया भाई 100 बट्टा 9, ठीक है। अब 100 का भाग 9 में जब हम देंगे तो कितनी बार जाएगा, तो 100 में जाएगा तो 9 एकम 9 एक बार जाएगा, और बचेगा कितना आपका, 9 एकम 9 बचा 10, फिर से 9 एकम 9 एक बार गया तो कितना हो जाएगा ये आपका 11, सही 11
कितना बचेगा? सही से एक बचे ना, 11 से 1/9 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा भैया वो हो जाएगा आपका 11 से 1/9, यानी कि ऑप्शन सी इसमें सही उत्तर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। पांच मित्र बैठे हैं भाई, पी क्यू आर एस और टी, एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, अब डायरेक्शन में मैं आपको बता चुका हूँ, ये ईस्ट है भाई, ये आपका वेस्ट है, ये आपका नॉर्थ है, ये साउथ है। पांच मित्र हैं भाई और उनका जो मुंह है, देखिए मुंह जो है इस तरफ है। ठीक है, यानी कि मैं ऐसे एरो बना के देता हूँ, ये 1 2 3 4, ये पांच मित्रों की जो है एक जो सिटिंग सिचुएशन है वो ऐसी है, और उनका मुंह उत्तर दिशा की तरफ है। अब क्वेश्चन को सॉल्व करना है इसके आधार पर। हमने एस बैठा है टी और क्यू के बीच में, ठीक है, एस जो है ये टी और क्यू के बीच में है। अब इसको थोड़ा हम नीचे कर लेंगे रफ में, एस जो है टी और क्यू के बीच में होता है, तो एस यहाँ पे भी टी और क्यू ऐसे भी हो सकता है, या क्यू और टी ऐसे भी हो सकता है, बीच में एस हो सकता है। और अगली जो बात बोल रहा है, ये एस बैठा है टी और क्यू के बीच में, और क्यू जो है आर के निकटतम बाई ओर है। क्यू जो है क्या है, आर के निकटतम बाई ओर है। देखिए क्यू आर के निकटतम बाई ओर है, अगर बाया हम देखें तो इसमें बाया तो ये होना चाहिए, तो ये वाला जो बैठ रहा है सही बैठ रहा है, ये आर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि आर उसके बाई तरफ है ना, तो आर ऐसे होगा यहाँ पे। ठीक है, तो क्यू के बगल में आर होगा, बिल्कुल सही हो रहा है। ठीक है, तो टी एस क्यू आर, ये वाला जो है ये गलत हो गया, ये एलिमिनेट हो गया। अब क्या बोल रहा है अगला, देखिए पी है टी के निकटतम बाई ओर, पी जो है टी के निकटतम बाई ओर है, तो पी जो है इस टी के बाई ओर है, तो पी यहाँ पे हो जाएगा, तो ये हो गया भाई इनकी सिटिंग कंडीशन। ठीक है, यानी कि पी टी एस क्यू आर, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है भाई। ठीक है, तो टी के निकटतम बाई और बीच में कौन बैठा है, तो टी के निकटतम बाई और बीच में कौन बैठा होगा, तो बीच में बैठा है भाई एस, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए एस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। ठीक है, 8 का जो अनुपात दिया गया है, 8:32 है, समानुपात 6 दिया गया है, फिर क्वेश्चन मार्क दिया गया है। ठीक है, तो यहां पर देखिए क्या कर रहा है, इसको ध्यान से समझिएगा। ये 8 का जो अनुपात है 32 के साथ, तो इसने पहले वाले टर्म को निकाला, देखिए ऐसे 8 का स्क्वायर किया है इसने, 8 का स्क्वायर कितना होता है आपका, 8 का स्क्वायर 64 होता है, अपॉन 2 किया है, 64 में 2 का भाग देंगे तो 32 आएगा। ठीक है, ऐसे जो अगला नंबर है 6 है, तो हम कर देंगे 6 का वर्ग / 2, तो 6 का वर्ग हो जाएगा 36, 36 में 2 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 18, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह आ जाएगा 18। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। ठीक है, वर्ग करके पहले नंबर का वर्ग करके उसमें बाई 2 कर रहा है वो डिवाइड। अप्रैल महीने का पहला दिन बुधवार है, ठीक है, द फर्स्ट ऑफ अप्रैल इज अ वेनेसडे, व्हाट डे ऑफ द वीक विल इट बी ऑन द फर्स्ट ऑफ मे ऑफ द सेम ईयर। तो देखिए मई का पहला दिन पूछ रहा है, तो अप्रैल में महीने का पहला दिन बुधवार है। देखिए इस क्वेश्चन को इसे ध्यान से समझिए ऐसे, देखिए ठीक है, अप्रैल में कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं, अप्रैल में 30 दिन है, तो पहला दिन बुधवार है। ठीक है, पहला दिन तो 1 अप्रैल क्या हो जाएगी, बुधवार हो जाएगी। इसके बाद जो नेक्स्ट जो बुधवार आएगा वो आपका 8 अप्रैल को आएगा, 7 दिन जोड़ते चलो, अगला जो हमारा बुधवार आएगा वो 15 को आएगा। ठीक है, 8 7 15, 15 7 22, ठीक है, और 22 7 29, 29 अप्रैल को भी बुधवार है, तो इसके हिसाब से 30 अप्रैल को क्या हो जाएगा हमारा, गुरुवार। ठीक है, गुरुवार, और 1 मई को, क्योंकि अप्रैल 30 ही दिन का होता है, तो 1 मई को जो हो जाएगा हमारा गुरुवार के बाद आ जाएगा शुक्रवार। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, शुक्रवार। ठीक है, या आप एक चीज, एक और इसका फॉर्मूला होता है ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए 2 अप्रैल से 1 मई तक की दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 29 29 धन 1, ठीक है, और इसको / 7 कर देंगे आप, तो देखिए 30 हो जाएगा, 30 दिन है, मतलब 1 अप्रैल से आपका 1 मई होने तक 30 दिन है, और 30 में 7 का भाग दे दो, तो 7 का भाग दोगे 30 में तो कितनी बार जाएगा, 7 चक्को 28, बचेगा 2 शेष। ठीक है, 2 शेष बचेगा ना, 4 बार तो डिवाइड होगा, तो उस 2 शेष को इस बुधवार में जोड़ दो, बुधवार में अगर 2 दिन जोड़ते हैं हम, तो बृहस्पतिवार और शुक्रवार हो जाता है। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, टीना है भाई, टीना ड्राइव्स 45 किमी टुवार्ड्स ईस्ट, और उसके बाद ये करती है राइट लेफ्ट। चलिए देख लेते हैं, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। ठीक है, चलिए अब मैं यहाँ पे बनाता हूँ कैलकुलेशन को। तो टीना ने, चलिए मान ली कोई ए पॉइंट है, यहाँ से शुरू किया, टीना यहाँ से चली, कहाँ चली, पूरब की ओर, कितना चली, 45 किलोमीटर चली। ठीक है, पूरब की ओर टीना यहाँ से चले, पूरब की ओर, ये है डायरेक्शन उसका,
और उसके बाद क्या कर रही है वो, फिर दाएं मुड़कर 65 किलोमीटर चलती है, ये दाएं होगी तो यहाँ को मुड़ जाएगा, ये 65 किलोमीटर हो गया उसका, ठीक है। अब क्या करती है वो देखिए, उसके बाद बाई ओर मुड़कर 33 किलोमीटर जाती है, तो बाई ओर मुड़ेगी तो यहाँ से जो होगा बायां जो हो जाएगा लेफ्ट इस तरफ होगा, राइट इस तरफ होगा, ठीक है, दक्षिण मुंह अगर उसका मुंह है तो, फिर यहाँ से वो जाएगी इस तरफ को, किस तरफ को, ये गई, ठीक है, ये गई वो बाई तरफ को मुड़ के कितना 33 किलोमीटर, ये हो गया 33 किलोमीटर, यानी कि उसकी डायरेक्शन ये है। अब तो अब उसका मुंह किस दिशा में है, ठीक है, तो उसका मुंह देखिए यहाँ से शुरू किया था कीना नहीं, ये ए पॉइंट है, ए पॉइंट से अगर मैं शुरू करूँ, ये देखिए मैं डायरेक्शन का चार्ट बना दूँ ए पॉइंट पे, तो ये हो जाएगा हमारा नॉर्थ, ये हो जाएगा साउथ, ये हो जाएगा वेस्ट, और ये हो जाएगा ईस्ट। तो ईना किस तरफ जा रही है भाई, टीना किस तरफ जा रही है, पूरब की तरफ, ठीक है, तो ऑप्शन नहीं हो जाएगा इसमें। राहुल का विद्यालय उसके घर से उत्तर पूर्व दिशा में है, तो उसका घर उसके विद्यालय से किस दिशा में है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए इस क्वेश्चन को कितने अच्छे तरीके से घुमाया, देखिए उसने, अब देखिए ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है, ये हो गया हमारा पूर्व, ठीक है, ये हो गया हमारा पश्चिम, ये उत्तर हो गया भाई, और ये हो गया दक्षिण, ठीक है, क्वेश्चन को कितने अच्छे तरीके से घुमाया, वो बोला कि राहुल का विद्यालय उसके घर से उत्तर पूर्व दिशा में है, ठीक है, अगर उसका घर देखिए उत्तर पूर्व दिशा में है, ये हमारे उत्तर पूर्व दिशा है, कौन सा उसका विद्यालय, विद्यालय यहाँ पे है, विद्यालय यहाँ पे है, तो अब उसका जो घर होगा इसके डायरेक्शन में तो होगा यहाँ इस तरफ, ये उसका घर हो जाएगा, ठीक है। अब उसका घर किस दिशा में है, तो ध्यान से देखिए पश्चिम और दक्षिण के बीच में आ रहा है उसका घर, तो यानी कि उसका घर है दक्षिण पश्चिम के बीच में, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है इसमें। टंकी वाला क्वेश्चन आ गया भाई, देखिए टंकी वाला क्वेश्चन, दो नल ए और बी एक साथ खाली टंकी को 20 मिनट तथा 30 मिनट में भर सकते हैं, यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। देखिए जब दोनों नल एक साथ खोलने की बात होती है और टंकी भरने की बात होती है, तो दोनों नंबरों को हम जोड़ेंगे, ठीक है, तो खाली टंकी को देखिए क्रमशः भर सकते हैं, एक को आधार लेते हैं हम इसमें, तो क्रमशः टंकी को 20 मिनट में, यानी कि 1/20 धन 1/30, इनको आपको जोड़ना है, 30 और 20 का अगर एलसीएम लेंगे तो 60 हो जाएगा भाई, ठीक है, तो 20 या 60 ही, तो ऊपर 3 हो जाएगा, 30 दूना 60 ही, तो ऊपर 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 2 5, 5/60, 5/60 को हम काट देंगे, 5 एकम 5 और 12 5 60, यानी कि 1/12, तो हमारे पास कितना आ गया 12, यानी कि टंकी को भरने में कितना समय लगेगा 12 मिनट, ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ओके। और यहीं पे अगर ये बोलता है कि अगर देखिए नल ए इतने मिनट में भरता है और नल बी इतने मिनट में खाली करता है, तो फिर हमारा क्या होता है, पहले वाले से दूसरा वाला माइनस हो जाता है, ठीक है, तो माइनस करते हैं ऐसी कंडीशन में, अब दोनों नल जब खुले होते हैं तो प्लस करते हैं। चलिए अगला एक सीरीज दी गई है हमको, सीरीज में लुप्त पद ज्ञात करना है, ठीक है, तो सीरीज को एक बार मैं लिख लेता हूँ तो तब जाके ये समझ में आएगी सीरीज, ठीक है। सबसे पहले देखिए ए एन कर रहा है वो, ए एन के बाद वो लिख रहा है डी, और यहाँ लिख रहा है क्यू, ठीक है, डी क्यू के बाद वो लिख रहा है जी, और यहाँ लिख रहा है टी, इसके बाद देखिए जे डब्लू, ठीक है, अब अगला पद हमको ज्ञात करना है, ठीक है, तो ए में डी है, देखिए ए से डी हो रहा है तो +3 हो रहा है, ठीक है, डी से जी हो रहा है तो +3 हो रहा है, देखिए जी में अगर 3 जोड़ेंगे तो जे हो जाएगा, अगर जे में हमें 3 जोड़ें तो, ठीक है, जे के एल एम, पहला पद आ गया हमारे पास एम, एम भाई दो ऑप्शन में, दो तो डिलीट हो गए, देखिए दो डिलीट हो गए यहाँ पे, क्योंकि इनमें एम है ही नहीं, अब इनमें से ए या सी में से एक होगा, अगले में कहते हैं क्या हो रहा है, इसमें भी +3 हो रहा है, एन में +3 जोड़ेंगे तो क्यू हो जाएगा, क्यू में +3 जोड़ेंगे तो टी, +3 डब्ल्यू, डब्ल्यू में अगर +3 जोड़ेंगे तो डब्ल्यू, एक्स वाई जेड, ठीक है, तो एम जेड हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, यदि नेम को ये लिखा जाता है तो क्लेम को क्या लिखा जाएगा, ठीक है, तो नेम को क्या लिख रहा है भाई, देखिए समझिए क्वेश्चन को, नेम को क्या लिख रहा है इसमें, देखिए एन ए एम ई, नेम, नेम को लिख रहा है ये एम जेड एल डी, ठीक है, एम जेड एल डी, तो ध्यान पूर्वक अगर हम देखें भैया इसमें क्या कर रहा है, देखिए नेम एन में से माइनस बन गया तो एम, ए में से माइनस बन गया तो जेड, एम में से माइनस बन गया तो एल हो जाता है, ई में से माइनस बन गया तो डी हो जाता है, तो बस क्लेम का भी वही सेम सिनेरियो कर दो आप, सी एल ए आई एम, ठीक है, सी में से -1 करेंगे तो क्या होगा बी बचेगा, एल में से -1 करेंगे तो एल में से -1 करके के बचेगा, ए में से -1 करेंगे तो जेड आ जाएगा, आई में से -1 करूंगा तो एच आ जाएगा, ठीक है, एम में से एक पीछे जाऊंगा तो फिर हमारा एल आ जाएगा, तो बी के जेड एच एल आ जाएगा हमारा आंसर, बी के जेड एच एल, यानी कि बी के जेड एच एल आपका ऑप्शन ए में है, ठीक है, ये सही हो जाएगा। चलिए आगे, श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात करना है आपको, ठीक है, ऑप्शन डी कहाँ गया इसका, ऑप्शन डी हट गया क्या, ऑप्शन डी भी है इसमें 36, ठीक है, बताइए इसमें लुप्त पद क्या होगा, तो देखिए सीरीज को अगर हम ध्यान से देखें ना दोस्तों, तो इसमें क्या कर रहा है, पहले पद से दूसरे पद को घटा रहा है इसमें,
पहले जो फर्स्ट पद है, पहले पद से दूसरे पद को माइनस कर रहे हैं, ठीक है, पहले पद से दूसरे पद को घटा रहे। कैसे? 146 में से 90 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 56 बचेगा, ठीक है। 90 में से 56 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 34 बचेगा। 56 में से 34 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 22 बचेगा। और वहीं 34 में से अगर मैं 22 घटाऊं तो ये हो जाएगा 34 में से 22, 4 में से 2 गया 2, 3 में से 2 गया 1, 12। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 12, ठीक है। तो ये इसमें सीरीज में फॉलो अप हो रहा है। ओके, तो दोस्तों ये था रीजनिंग का टेस्ट नंबर 9। आई होप अच्छे से आप सभी क्वेश्चन समझे होंगे। यहीं पे मैं सेशन को समाप्त करता हूँ दोस्तों। जल्दी आपसे नई सेशन में मुलाकात होगी। तब तक आप लोग अच्छे से अपनी स्टडी करें, अपना ध्यान रखें, और साथ ही अपने जीवन में कम से कम एक पेड़ लगाएं, और लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें, मोटिवेट करें। मैं आपसे जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट सेशन में। टिल देन अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय देवभूमि।